दोस्तों इस गर्मियों में बेसन को एक बार इस तरह से लगा के देखिए, ये आपकी स्किन से कालापन, दाग, धब्बे, टैनिंग को रिमूव करके आपकी स्किन को लाइट एंड ब्राइटन और ग्लोइंग बना देगा। दोस्तों अगर आपकी स्किन में एजिंग साइन आना स्टार्ट हो गई है या फिर स्किन में पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है या फिर स्किन में टैनिंग या फिर कालापन आ गया है, तो आज का ये जो रेमेडी है ये इन सारे प्रॉब्लम को दूर करके आपकी स्किन को एकदम लाइट एंड ब्राइटन और ग्लोइंग बना देगा और स्किन में लेके आएगा पार्लर फेशियल जैसा ग्लो। दोस्तों धूप और गर्मी की वजह से हमारी स्किन जो है वो डिहाइड्रेट हो जाती है, स्किन में बिल्कुल भी ग्लो नहीं रहता है, स्किन में काफ़ी सारे प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि ओपन पोर्स या फिर गर्मियों की वजह से स्किन में रेडनेस, रैशेस, घमोरिया, इस तरह की प्रॉब्लम आती है या फिर सन टैन, सन बर्न और पिगमेंटेशन भी आना स्टार्ट हो जाती है। तो आज की ये जो रेमेडी है ये इन सारे प्रॉब्लम को दूर करके आपके स्किन को एकदम लाइटन, ब्राइटन, ग्लोइंग और ग्लास स्किन बना देगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से गर्मियों में भी बेसन को इस्तेमाल करके आप अपने स्किन को एकदम ग्लास स्किन बना सकता है, अपने रंग को निखार सकते हैं, स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो लेके आ सकते हैं, टैनिंग कालापन को दूर करके स्किन को एकदम लाइटन, ब्राइटन और ग्लोइंग बना सकते हैं। तो चलिए ज्यादा वक्त जाया ना करते रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर लिया है एक चम्मच बेसन। बेसन हमारी स्किन को नेचुरली क्लेंस करती है, हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा, स्किन को लाइट एंड ब्राइटन बनाती है, पोर्स के अंदर जो मैल होता है उसे भी निकालती है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर दिया है एक चम्मच राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा। चावल का आटा हमारी स्किन को टाइट करता है, लाइट एंड ब्राइटन करता है, स्किन से एजिंग साइन को दूर करता है, दाग धब्बे है अगर आपकी स्किन में तो उसे भी कम करने में मदद करता है और स्किन को यंग, ब्राइट और ग्लोइंग बनाता है। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी हल्दी। मैंने यहाँ पर कस्तूरी हल्दी का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो कुकिंग की जो हल्दी आप इस्तेमाल करते हैं उसे ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा कम क्वांटिटी में लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर हल्दी को लेके अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। हल्दी क्या करता है, हमारे स्किन को लाइटन ब्राइटन करते हैं। अगर आपके स्किन में फंगल इन्फेक्शन, रैशेस, रेडनेस या फिर स्किन में एक्निंग रैश की प्रॉब्लम है या फिर गर्मियों की वजह से हमारे जो स्किन में जितनी भी टाइनी बम आ जाते हैं इन सारी प्रॉब्लम को दूर करती है। हल्दी में ढेर सारा एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है जो कि इन सारी प्रॉब्लम को हमारे स्किन से दूर करती है और स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो लेके आती है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ रॉ मिल्क। जी हाँ दोस्तों, रॉ मिल्क हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, ये तो सबसे अच्छा क्लेंजर है, दुनिया की सबसे अच्छा क्लेंजर है, पोर्स के अंदर जो गंदगी मैल है उसे भी निकालती है, आपकी स्किन को ना अंदर से नरिश करती है, सॉफ्ट स्मूथ करती है। मिल्क में ढेर सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं जो कि आपकी स्किन को लाइटन ब्राइटन करती है, दाग धब्बे को दूर करती है, स्किन को ब्राइट बनाती है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर मिल्क को ऐड किया है, एकदम से नहीं डालना है क्योंकि हमें एक मीडियम सा थिक कंसिस्टेंसी चाहिए इस फेस पैक के लिए। तो मैंने, अब देख सकते हैं ये जो कंसिस्टेंसी है ये ज़्यादा पतला भी नहीं है, ज़्यादा थिक भी नहीं है, इस तरह का एक क्रीमी पेस्ट हमें यहाँ पर बना लेना है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ हनी यानी कि शहद। जी हाँ दोस्तों, शहद हमारी स्किन के लिए बहुत बहुत अच्छा है, इसमें ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि आपके स्किन में आते हुए जो फाइन लाइंस है, रिंकल्स है, जो एजिंग साइन है उसे दूर करती है, स्किन को नरिश करती है, रिपेयर करती है। ढेर सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं हनी में जो कि आपके स्किन को टाइट बनाता है, लाइट एंड ब्राइटन करता है, स्किन को नेचुरली कंडीशनिंग करता है, स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो लेके आती है। मैंने यहाँ पर डाबर का हनी इस्तेमाल किया है, आप कोई भी हनी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको सूट करता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ लेमन जूस। मैंने यहाँ पर आधा लेमन जूस ऐड किया है। लेमन में भरपूर विटामिन सी होता है जो कि आपके स्किन से टैनिंग को रिमूव करता है, विटामिन सी आपके स्किन से दाग धब्बे को दूर करता है। अगर आपकी स्किन में कालापन है या फिर झाइया, पिगमेंटेशन, इस तरह की प्रॉब्लम है तो भी विटामिन सी इन सारे प्रॉब्लम को दूर करती है और आपकी स्किन को लाइट एंड ब्राइटन करती है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हैं इन जो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डाला है, सारी चीज़ को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसे मिक्स करने के बाद इस तरह से एक स्मूथ सा क्रीमी सा पेस्ट बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और इस रेमेडी को लड़का, लड़की, टीनेजर कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। 100% नेचुरल ये रेमेडी है जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी स्किन को क्लेंस करना है। मैंने यहाँ पर कच्चे दूध का इस्तेमाल किया है। कच्चे दूध को मैंने एक कॉटन पैड में डिप कर लिया है और अपने स्किन को अच्छी तरह से क्लीन कर रही हूँ। कच्चे दूध आपके स्किन को बहुत ही अच्छी तरह से क्लेंस करती है, पोर्स के अंदर जो गंदगी, जो मैल जमा हुआ होता है उसे भी अच्छी तरह से क्लीन करता है। अगर आपके स्किन में
मेकअप है तो पहले उसे रिमूव कर लीजिए या फिर फेस वॉश से अपनी स्किन को क्लीन कर लीजिए, उसके बाद इस रेमेडी को ट्राई करना। तो दोस्तों मैंने मेरे फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है, अभी ये जो फेस मास्क है मैं इसे अपने स्किन पे अप्लाई कर रही हूँ, मैं अपने हाथों से अपने स्किन पे अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहे तो किसी ब्रश की मदद से भी अपनी स्किन में इसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये फेस पैक्स 100% नेचुरल है, इसे लड़का लड़की टीनेजर कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फेस मास्क आपकी स्किन को टाइट करेगा, लाइटन ब्राइटन करेगा। अगर आपकी स्किन में टैनिंग की प्रॉब्लम है या फिर स्किन में दाग धब्बे है, पिगमेंटेशन है, तो इस प्रॉब्लम को ये दूर करेगा। एक्ने हो जाने के बाद जो मार्क्स है, एक्ने का जो स्पॉट स्किन में रह जाता है ना, ये रेमेडी उस मार्क्स उस स्पॉट को भी दूर करने में मदद करती है, टैनिंग को रिमूव करती है, स्किन को लाइटन ब्राइटन करती है, स्किन को टाइट करती है और स्किन को अंदर से निखार आती है, एक नेचुरल ग्लो लेके आती है स्किन में। तो मैंने मेरे पूरे फेस में अच्छी तरह से इसे अप्लाई कर लिया है। अब इस फेस मास्क को मैं अपनी स्किन में 10 मिनट तक छोड़ दूंगी, रहने दूंगी, ताकि ये जो मास्क है मेरी स्किन में बहुत ही अच्छी तरह से वर्क कर सके। और इस रेमेडी को आप चाहे तो नहाने से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं या रात को सोने से पहले। तो दोस्तों 10 मिनट बाद इस तरह से ये सेमी ड्राई हो जाएगा। उसके बाद मैंने मेरे हाथों में थोड़ा सा वाटर लिया है और उसके बाद मैं मेरे स्किन को हल्के हाथों से इसे मसाज कर रही हूँ। मसाज करने से स्किन में ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिसकी वजह से स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो आता है, स्किन में बहुत ही अच्छा निखार आता है। ये रेमेडी आपके स्किन से डेड स्किन सेल की लेयर को रिमूव करता है, टैनिंग को रिमूव करता है, पोर्स के अंदर जितने भी गंदगी मैल जमा हुआ था उसे भी अच्छी तरह से क्लीन करती है और आपके स्किन को एकदम लाइटन ब्राइटन टाइट बनाने में मदद करती है, स्किन से एजिंग साइन को दूर करती है और स्किन को एकदम ग्लास स्किन बना देती है। तो अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट तक मैंने मेरे फेस को इस तरह से मसाज किया है, उसके बाद एक गीले टॉवल की मदद से मेरे फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर रही हूँ। आप चाहे तो डायरेक्ट वाटर से क्लीन कर सकते हैं, लेकिन पहले अगर गीले टॉवल की मदद से फेस को क्लीन कर लेंगे ना, तो इस मास्क को रिमूव करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और आप देख सकते हैं इस मास्क को रिमूव करने के बाद स्किन कितना ग्लो कर रहा है, स्किन कितना ब्राइट हो गई है। ये धीरे धीरे आपकी स्किन टोन को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करेगी, स्किन को सॉफ्ट स्मूथ सपल करेगी। इसके बाद मैं मेरे फेस को अच्छी तरह से नॉर्मल वाटर से क्लीन कर रही हूँ और फेस को अच्छी तरह से पानी से धोने के बाद आप देख सकते हैं स्किन कितना ग्लो कर रहा है, कितना ब्राइट हो गई है स्किन। ये आपके स्किन को इंस्टेंट लाइटन ब्राइटन कर रहा है। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है आइस क्यूब। आइस क्यूब को अपने फेस पे अच्छी तरह से मैं रब कर रही हूँ। आइस क्यूब को इस तरह से रब करने से क्या होता है, आपके स्किन में जितने भी ओपन पोर्स है वो श्रिंक हो जाते हैं। आपकी स्किन में अगर गर्मियों की वजह से बहुत ज़्यादा पसीना आता है या फिर गर्मियों में रैशेज की प्रॉब्लम है वो कम होता है। ये आपके स्किन में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, स्किन को टाइट बनाती है और आपकी स्किन से एक्सेसिव ऑयल और पसीने को भी रिमूव करती है। तो अच्छी तरह से मैंने आइस को कंप्रेस कर लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है एलोवेरा जेल। मैंने मेरे हाथों में थोड़ा सा एलोवेरा जेल लिया है। आपको जो ब्रांड सूट करता है, मार्केट वाला आप लेंगे वही ब्रांड आप यहाँ पर ले सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ऐड कर थोड़ा सा रोज वाटर, दोनों को अपने हाथों पे ही थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। गर्मियों में क्या होता है दोस्तों, हम अच्छी कोई भी मॉइस्चराइज क्रीम अप्लाई नहीं कर सकते, बहुत ही चिपचिपा ऑयली सा लगता है। तो इसके लिए आप इस हैक्स को ट्राई कीजिए, एलोवेरा जेल के साथ रोज वाटर को मिक्स करके लगाइए। आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, स्किन को सॉफ्ट स्मूथ सपल बनाता है, आपकी स्किन को ये टोनिंग करता है। रोज़ वाटर आपकी जो पोर्स है वो उसे श्रिंक करने में मदद करता है, स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो लेके आता है और एलोवेरा जेल आपकी स्किन को नरिश करती है, मॉइस्चराइज करती है। अगर आपकी स्किन में सन टैन है उसे रिमूव करती है, सन बर्न को ये हील करती है। तो इस तरह से आपको इसे मसाज करना है, फुल फेस में इसे अप्लाई कर लेना है। आप चाहे तो कोई भी सीरम या फिर नाइट क्रीम या फिर मॉइस्चराइजर को भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस हैक्स को ट्राई करके देखिए। गर्मियों में बिल्कुल भी ऑयली ऑयली या फिर चिपचिपा आपकी स्किन नहीं लगेगा, स्किन बिल्कुल फ्रेश फेयर एंड ब्राइट दिखेगी और ये आपके स्किन को ना अंदर से नरिश भी करती है, स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, स्किन को हाइड्रेट रखती है, नेचुरली स्किन में एक ग्लो लेके आती है। तो गर्मियों में इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करना दोस्तों, ये आपकी स्किन को ऑयली नहीं होने देगा, पसीना नहीं आने देगा, स्किन को सॉफ्ट स्मूथ मॉइस्चराइज करेगा, स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो लेके आएगा। पार्लर में जाके महंगे से महंगा फेशियल करने के बाद स्किन में जैसा ग्लो आता है ना, बिल्कुल वैसा ही ग्लो ये रेमेडी आपकी स्किन में लेके आएगी। तो शुक्रिया दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर देना, बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।